हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने है अशोक लीलैंड का बड़ा दोस्त i4 LS पिकअप। अब ये जो पिकअप है इसमें कई सारे पहले से अपडेट कर दिए गए हैं। अब इसमें आपको यूरिया का टैंक नहीं मिलता है। जी हाँ, सही सुना आपने, अब आपको इसमें यूरिया डालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से कंपनी ने अब इसे हटा दिया है और कई सारे अब इसमें आपको अपडेट मिल जाते हैं जिसकी आज हम लोग रिव्यू करेंगे और बताएंगे इस पिकअप की जो ऑन रोड प्राइस है, इसकी माइलेज क्या है, इसमें आप लोडिंग कितना कर सकते हैं और आप इसे फाइनेंस कैसे करा सकते हैं और कम से कम कितना डाउन पेमेंट देना होगा। ये तमाम सारी जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ओके, तो यहाँ पे हमारे सामने लग चुका है अशोक लीलैंड का बड़ा दोस्त i4 LS पिकअप। अब ये जो पिकअप है इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमारे सामने जो लगा हुआ है ये नॉन एसी वेरिएंट है। इसकी मॉडल का जो नाम है देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है i4 LS। अगर इसमें आप एसी वाला वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पे आपको i4 LX लिखा हुआ मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारे सामने नॉन एसी वेरिएंट लगा हुआ है। सबसे पहले अगर बात करें इस पिकअप की चाबी की तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो चाबियाँ मिलती है जो कि अशोक लीलैंड के ब्रांडिंग के साथ आती है। और अगर बात करें इस पिकअप की फ्रंट लुक की तो देख सकते हैं यहाँ पे जो इस पिकअप का जो फ्रंट लुक है ये आपको काफ़ी शानदार देखने को मिलता है और देख सकते हैं काफ़ी मस्त सा इसमें डिज़ाइन देखने को मिलता है। फ्रंट में देखिएगा तो यहाँ पे आपको काफी बड़ा सा इसमें विंड स्क्रीन मिल जाएगा और डबल वाइपर मिलते हैं इसे क्लीन करने के लिए। देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको कर्व में विंड स्क्रीन मिलता है। साइड में अगर देखिएगा तो यहाँ पे आपको काफी बड़े साइज का यहाँ पे ब्लैक कलर का ओवर बीम्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मिल जाता है आपको बड़ा दोस्त की बैजिंग जो की सिल्वर फिनिशिंग में आता है। फ्रंट में अगर बात करें इसकी हेडलाइट की तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको हेडलाइट इसका काफी बड़ा साइज का मिलता है। इसकी जो रोशनी है आपको काफी बेहतरीन रात के समय देखने को मिल जाएगी। और साइड में देखिएगा तो यहाँ पे आपको हैलोजन में इसके टर्न इंडिकेटर लाइट मिल जाते हैं। सेंटर में मिल जाएंगे आपको अशोक लीलैंड की ब्रांडिंग, यह भी आपको सिल्वर फिनिशिंग में मिलता है और यहाँ पे मिलता है आपको अशोक लीलैंड की लोगो। नीचे तरफ थोड़ा आइए तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे मिलता है आपको ब्लैक कलर के बम्पर, बीच मिलेंगे आपको हनीकॉम ग्रिल, साइड में देखिएगा तो यहाँ पे आपको राउंड शेप में व्हाइट कलर का रिफ्लेक्टर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको एक छोटा सा हाउसिंग मिलता है। इसमें चाहे तो आप आफ्टर मार्केट इसमें फॉग लैंप इंस्टॉल करा सकते हैं। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको इसका फ्रंट लुक इस पिकअप का देखने को मिलता है। साइड की अगर बात करते देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी साइड प्रोफाइल है ये भी काफी शानदार यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे डोर के ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे मिलता है आपको ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स कुछ इस तरह से। और नीचे देखिएगा तो यहाँ पे आपको जो इसका फेंडर है ये आपको ब्लैक कलर के फाइबर में मिलता है। टायर की अगर बात करें तो यहाँ पे मिलता है आपको अपोलो का टायर 700R15 यानी 15 इंच के फ्रंट में टायर मिलते हैं। सिल्वर कलर के आपको स्टील रिम्स मिल जाएंगे। फ्रंट में मिलता है आपको डिस्क ब्रेक, पीछे मिल जाएगा आपको ड्रम ब्रेक। और इस साइड देखिएगा तो यहाँ पे ही पहले आपको यूरिया का टैंक देखने को मिलता था जो कि अब यहाँ पे नहीं है, इसमें से अब हटा दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको मिलता है 40 लीटर का डीजल टैंक जिसमें आप 40 लीटर डीजल को फिल करा सकते हैं। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का साइड प्रोफाइल मिल जाएगा। पीछे की टायर की बात करें तो पीछे भी आपको सेम अपोलो का टायर मिलता है जो कि 15 इंच के साथ आता है। और आगे पीछे इसमें आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग देखने को मिलता है यानी कमानी पट्टी यहाँ पे पीछे और आगे आपको मिल जाएगी। कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको मिल जाएगा फाइबर का फेंडर। और अगर बात करें इसकी डेक की तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफी लंबी चौड़ी डेक देखने मिलती है। डेक की लंबाई की बात करें तो यहाँ पे मिलता है आपको 9 फीट 8 इंच लंबी और 5 फीट 9 इंच चौड़ी इसमें आपको डेक देखने को मिलती है। यहाँ पे मिल जाएगा आपको 1500 kg की पेलोड कैपेसिटी। वैसे तो इसमें आपको 1500 kg की पेलोड कैपेसिटी मिलती है लेकिन आप उससे भी ज्यादा के यहाँ पे लोडिंग आसानी से कर पाएंगे। पीछे देखिएगा तो यहाँ पे मिलता है आपको अशोक लीलैंड की ब्रांडिंग, यहाँ पे मिल जाएगा आपको रेड कलर का रिफ्लेक्टर पट्टी। और इस पिकअप में आपको 3-3 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो जो इसका टेलेट सेटअप है ये भी आपको नॉर्मल सा दिया गया है जो कि हैलोजन के फॉर्म में आता है। यहाँ पे मिल जाएगा आपको टर्न इंडिकेटर लाइट, इसमें मिलता है आपको ब्रेकिंग लैंप और यहाँ पे आपको पार्किंग लैंप मिल जाते हैं। नीचे देखिएगा तो यहाँ पे आपको स्टेपनी टायर दिया गया है, यहाँ से आप अपने आसानी से अगर टायर आपका पंचर वगैरह होता है तो आसानी से यहाँ से आप अपने टायर को रिप्लेस कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको पीछे का लुक मिल जाता है। कुछ इस तरह का आपको डेक मिलेगा जो कि काफी लंबा चौड़ा है। यहाँ पे डेक के ऊपर कुछ इस तरह का आपको हुक इसमें देखने को मिल जाता है। इस साइड देखिए तो यहाँ पे मिलता है आपको इस पिकअप में एक साइड की बैटरी, यहाँ पे मिल जाएगा आपको एयर फिल्टर और यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का एयर इनटेक पाइप मिलता है।
बात करें इसके ड्राइवर साइड केबिन की तो देख सकते हैं यहाँ पे जो इसके केबिन है ये आपको काफी ऊंची साइड पे देखने को मिलता है। इससे जो होता है अगर केबिन आपका ऊंचा है तो आपको काफी बेहतर विजिबिलिटी दिखाई यहाँ पे देती है। तो चलते हैं इसके केबिन के अंदर और देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। तो केबिन के अंदर जाने से पहले यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का प्रोविजन मिलता है, ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। इसे जैसे ही आप खोलिएगा तो देखते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का काफी बड़ी यहाँ पे आपको केबिन ऑफर किया गया है। डोर पैनल के ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे मिलते हैं आपको ट्विटर का ग्रिल, यहाँ पे आपको स्पीकर का ग्रिल मिल जाएगा। इसमें अगर आप चाहें तो आफ्टर मार्केट स्पीकर को इंस्टॉल करा सकते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा आपको बोतल होल्डर, यहाँ पे मिल जाते हैं आपको कुछ इस तरह का ग्रैब हैंडल्स, डोर हैंडल यहाँ पे कुछ इस तरह का मिलते हैं जिससे अपने चाहे तो विंडो को ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक के लिए कुछ इस तरह का हैंडल मिलता है। यहाँ पे देखिएगा तो लेदर फिनिश है लेकिन ये आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलता है। देखने में लगा कि लेदर फिनिश है, यहाँ पे आपको देखने में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिया गया है। सीट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको काफी कंफर्टेबल और काफी यहाँ पे वाइडर सा सीट देखने को मिलता है। और यहाँ पे मिल जाएगा आपको ब्लैक कलर के सीट बेल्ट। और पिकअप के अंदर आप जैसे ही आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का ब्लैक कलर का स्टेयरिंग व्हील मिलता है। इसमें आपको पावर स्टेयरिंग ऑफर किया गया है जो कि काफी स्मूथ फील होता है। यहाँ पे सेंटर में आपको मिल जाता है अशोक लीलैंड की लोगो जो कि सिल्वर फिनिशिंग साथ आता है। और यहीं पे इस पिकअप का हॉर्न मिलता है। इस साइड देखिएगा तो यहाँ पे मिलते हैं आपको लाइट्स कंट्रोल, इधर मिल जाएंगे आपको वाइपर के कंट्रोल। और सेंटर में देखिएगा तो यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। इसमें आप अपने स्पीड देख सकते हैं, ट्रिप देख सकते हैं और आपने कितना किलोमीटर चला है, ये तमाम सारी जानकारी तो आप इसमें से ले ही सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं छोटा सा यहाँ पे आपको MID का मीटर मिलता है। इसमें MID के मीटर में आपको ओडोमीटर मिल जाएगा और टाइमिंग देखने के लिए यहाँ पे आपको घड़ी भी दिया गया है। यहाँ पे आसानी से आप टाइम वगैरह भी आप देख सकते हैं। इधर देखिएगा तो यहाँ पे मिलता है आपको RPM मीटर, इधर फ्यूल लेवल वगैरह यहाँ पे आसानी से आप इसमें देख पाएंगे। और अगर बात करें इसकी डैशबोर्ड की तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफी बड़ा सा इसमें डैशबोर्ड मिल जाएगा। सेंटर में मिल जाएगा आपको यहाँ पे हैजर्ड लाइट का स्विच, यहाँ पे मिलता है थोड़ा सा स्पेस। अगर चाहें तो यहाँ पे आप आफ्टर मार्केट म्यूजिक प्लेयर सिस्टम को इंस्टॉल करा सकते हैं। यहाँ देखिएगा तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको गियर शिफ्टर मिल जाता है। गियर शिफ्टर जो है आपको डैशबोर्ड पे अटैच देखने को मिलेगा। इसे चाहें तो अगर आप इधर है तो उधर से आपको उधर जाने में काफी आसानी होती है। यहाँ पे मिल जाएगा आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाता है। इस साइड देखिए तो यहाँ पे मिलेगा आपको छोटा सा एक ग्लोव बॉक्स देख सकते हैं, इसमें अपने चाहे सामान वगैरह डॉक्यूमेंट्स को आसानी से रख पाइएगा। और इधर देखिएगा तो इधर मिल जाते हैं आपको काफी बड़ा सीट, अगर चाहे तो यहाँ पे आप 2 लोग को आसानी से बैठा सकते हैं। और इधर मिल जाएगा आपको एक स्लाइडर विंडो देख सकते हैं कुछ इस तरह का, यहाँ पे खोलने के लिए आपको स्लाइडिंग विंडो दिए गए है। ऊपर तरफ देखिएगा तो ऊपर मिल जाएगा आपको छोटा सा एक IRVM, यहाँ पे आपको LED में इसका केबिन लाइट मिलता है और इसमें आपको सिंगल सनसेट देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको इस पिकअप में डैशबोर्ड और कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह देखने को मिलता है। और अगर बात करें इस पिकअप की डायमेंशंस की तो यहाँ पे जो इसकी व्हील विड्थ दी गई है वो मिलती है आपको 2590 mm की। गाड़ी की जो लेंथ है वो मिलती है आपको 5025 mm की। और जो इसकी विड्थ है यानी चौड़ाई वो मिलता है आपको 1842 mm की। गाड़ी की जो हाइट है वो मिलती है आपको 2061 mm की। और अगर बात करें इस पिकअप की मैक्स स्पीड की तो यहाँ पे आपको 80 किलोमीटर तक की मैक्स स्पीड देखने को मिलती है। इस पिकअप में लगभग आपको डीजल पे 15 से 16 तक की आसानी से माइलेज मिल जाएगी। और अगर बात करें इस पिकअप की इंजन की तो यहाँ पे मिलता है आपको 1478 cc की 1.5 लीटर वाला इंजन मिलता है जो कि 3 सिलेंडर के साथ आता है। और इंजन जो है इसमें आपको टर्बो चार्ज इंटरकूलेट इंजन देखने को मिलता है। इंजन की अगर पावर की बात करें तो यहाँ पे मिलता है आपको 80 HP का पावर और 190 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। इसमें आपको पावर और टॉर्क की थोड़ी सी भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। और अगर बात करें इस पिकअप की प्राइस की तो यहाँ पे जो इसकी एक शोरूम प्राइस है वो लगभग 9,86,000 रुपये तक की आती है। और अगर बात करें इसकी ऑन रोड प्राइस की तो यहाँ पे आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में जो इसकी ऑन रोड प्राइस है वो लगभग 10,42,229 रुपये में यहाँ पे इसकी ऑन रोड प्राइस होने वाली है। अगर चाहते हैं आप इस पिकअप को फाइनेंस कराना तो लगभग आपको 80,000 से लेके अब आपको 1,00,000 रुपए तक डाउन पेमेंट करना होगा, उसके बाद यहाँ पे आसानी से फाइनेंस करा सकते हैं। यहाँ पे आपको अब 5 साल या 72,000 किलोमीटर तक की वारंटी इस पिकअप में देखने को मिल जाती है। ओके, तो उम्मीद करते हैं तमाम सारी जानकारी आपको इस बड़ा दोस्त i4 LS की हमारे वीडियो के थ्रू मिल चुकी होगी। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का ये वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।